हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर हम फाइव लॉज स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड फोर्थ इज गे लुसा ला, एंड फिफ्थ वन इज एवोगाड्रो ला। सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम अपनी जूनियर क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो हम मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने यहाँ पे क्या लिया, मिथेन गैस दैट इज CH4, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे बर्न, सो इट फॉर्म्स CO2 गैस प्लस H2O। अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन हमारे पास वन मॉलिक्यूल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट की साइड पे हमारे पास एक कार्बन है, प्रोडक्ट में भी हमारे पास कार्बन वन है, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास फोर है, बट अगर प्रोडक्ट साइड पे बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, टू है। तो अगर हम दोनों साइड पे एलिमेंट्स की बात करें वो सेम होनी चाहिए, तो इसी तरीके से हमारे पास मास भी क्या होगा, सेम हो जाएगा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ द साइड क्या है, सेम। तो अगर यहाँ पे फोर है, अगर इसको मुझे फोर करना है तो हम यहाँ से टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन तो अभी फोर हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास टू है, यहाँ पे टू इंटू फोर, तो हम इसको यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, मास जो लेफ्ट हैंड साइड पे है रिएक्शन में वो किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ द राइट हैंड साइड दैट इज ऑफ प्रोडक्ट। और एलिमेंट्स की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दिस लॉ इज गिवन बाय प्राउट्स, इसीलिए इसको हम प्राउट्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कॉम्पोनेंट एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। तो कोई भी हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है उसके जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे एक स्पेसिफिक रेशियो में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, हम वाटर कहीं से भी ले, लाइक हम वाटर ले रहे हैं रिवर से, पॉन्ड से या टैप वाटर, तो सब में जो रेशियो होता है वाटर का दैट इज 2:1। तो इसी तरीके से जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो क्या रहेंगे, बाय मास वो क्या होंगे, एक इक्वल फिक्स रेशियो के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है दैट इज क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3, क्यूप्रिक कार्बोनेट दिस इज। सो इन्होंने क्या किया, ये जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है फर्स्ट इन्होंने लिया नेचुरली, सेकंड मैनमेड दैट इज सिंथेटिक। तो इन्होंने बोला कि हम चाहे किसी भी मेथड से इसको प्रिपेयर करें, चाहे ये नेचुरली प्रेजेंट है या फिर ये मैनमेड है, तो इसमें जो हमारे पास इनकी जो एलिमेंट्स की जो रेशियो रहेगा या जो एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम नेचुरल की बात करें तो कॉपर की जो क्वांटिटी है हमारे पास दैट इज 51.35, दिस इज फॉर कॉपर। फिर उन्होंने बोला हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की जो वैल्यू रहेगी दैट इज 9.47, एंड लास्ट में हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी रहेगी 38.97। तो उन्होंने बोला कि अगर हम ये नेचुरली लेते हैं तो भी परसेंटेज यही है, अगर हमने सिंथेटिक लिया तो भी कॉपर कार्बन ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, यही है। तो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो ईच एलिमेंट होगा वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, फिक्स रेशियो बाय मास प्रेजेंट होगा। तो यही था हमारे पास सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मीन्स ईच एलिमेंट किसमें प्रेजेंट होगा, फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होगा। थर्ड देख लेते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा, हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स होंगे वो हमको एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होंगे, तो उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मासेस ऑफ वन एलिमेंट that combined with a fixed mass of other element are in the small hole ratio. For example, हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, हमारे पास हमने लिया यहाँ पे हाइड्रोजन,
प्लस ऑक्सीजन दे फॉर वॉटर मॉलिक्यूल। ठीक है, हम ऑक्सीजन को सिंगल नहीं ले सकते, इसलिए हमने लिया O2 हाफ O2। ठीक है, और इन्हीं रिएक्टेंट के साथ एक प्रोडक्ट और भी बन सकता है, दैट इज H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इस लो में हमने क्या बोला, टू एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड बन गए, एक H2O एक H2O2। तो हमारे पास एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे सिंपल स्मॉल होल रेशियो में। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वन एटॉमिक मास टू, यहाँ पे भी टू इंटू वन टू, सो दोनों वन रेशियो वन में प्रेजेंट है। इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हाफ इज गिवन एंड ओ टू इज गिवन, सो मीन्स टू इंटू हाफ एंड ऑक्सीजन इज 16, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16। अगर हम बात करें इस ऑक्सीजन की तो यहाँ पे हमारे पास 2 × 16, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 32। तो इन्होंने क्या बोला है, जो एलिमेंट्स होंगे वो किसमें प्रेजेंट होंगे, स्मॉल होल रेशियो। तो एलिमेंट्स देखते हैं, ये एलिमेंट्स है, दीज आर कंपाउंड, सो 16:32 हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगा, 1:2। ठीक है, ये था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे वहां पे हम एलिमेंट्स का क्या देखेंगे, रेशियो। नेक्स्ट इज गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। व्हाट इज दिस लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन और गैसेस प्रोड्यूस, ये किसके ऊपर, या तो हमारे पास इसमें क्या होगा, गैसेस कंबाइन होगी या गैसेस प्रोड्यूस होगी केमिकल रिएक्शन के अंदर, दे आर इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उन्होंने क्या बोला, या तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर गैसेस कंबाइन हो रही होंगी या फिर गैसेस क्या हो रही होंगी, प्रोड्यूस हो रही होंगी। तो यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस, दे विल फॉर्म वॉटर। ठीक है, हमने ये बोला। अब हमने बोला कि वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन गैस का गिवन है ऑलरेडी, अगर हम इसको बैलेंस करें तो सबसे पहले इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम जो दिया है हाइड्रोजन गैस का, दैट इज 100 ml, 100 ml, एंड ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम दिया है दैट इज हाफ, बिकॉज यहाँ पे टू मॉलिक्यूल है H2 के, तो 100 ml दिया है, यहाँ पे हाफ वॉल्यूम लगेगा तो इन्होंने दिया है 50 ml। दे प्रोड्यूस 100 ml ऑफ वॉटर। ठीक है, इस तरीके से दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया है उनका हम क्या कर लेंगे, उनको हम रेशो में ले लेंगे। जो गैसेस कंबाइन हुई है, आइदर हमारे पास गैसेस अगर प्रोड्यूस हुई है तो उनका हम रेशो ले लेंगे। तो यहाँ पे गैसेस कंबाइन हुई है तो 100:50, 2:1, सो ये किसमें प्रेजेंट होंगी, 2:1 में। तो यही था हमारे पास गे-लुसाक लॉ। नेक्स्ट इज एवोगाड्रो लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवोगाड्रो ने एक लॉ दिया जिसमें उन्होंने बोला, अगर हमारे पास यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, अगर हमारे पास गैस, कोई भी हमने गैस ले ली, उसको बोल दिया गैस वन, एक गैस को बोल दिया गैस टू, तो गैस वन का जो वॉल्यूम होगा V1, अगर ये V1 दूसरी गैस की वॉल्यूम के इक्वल है, अगर फर्स्ट गैस का वॉल्यूम दूसरी गैस के वॉल्यूम के इक्वल है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो यहाँ पे इन गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम हो जाएगी। सो N1 किसके इक्वल हो जाएगी, N2 के इक्वल। तो उन्होंने क्या बोला, अगर हमारे पास किसी भी गैसेस के वॉल्यूम सेम है, प्रेशर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।